एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट टू कॉपीराइट क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आइए सबसे पहले सीखें कि सब्जेक्ट टू क्या है, उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट टू कॉपीराइट क्या है। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है किसी के बस में होना, या किसी के अधीन होना, या किसी के कब्जे में होना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो भारत अंग्रेजी शासन के बस में था या भारत अंग्रेजी शासन के कब्जे में था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इंडिया वाज सब्जेक्ट टू द ब्रिटिश एम्पायर। अगर आपको कहना हो हर कोई कुदरत के कानून के कब्जे में है या हर कोई कुदरत के कानून के बस में है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ नेचर, यानी हर कोई कुदरत के कानून के कब्जे में है या बस में है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि मैंने दोनों सेंटेंस में लिखा सब्जेक्ट टू, जिसका मीनिंग हुआ कोई चीज किसी के कब्जे में है या किसी चीज के बस में है या उसके अधीन है। ये सेंटेंस अक्सर हमें टेलीविजन में सुनना पड़ता है, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी जो म्यूचुअल फंड है वह मार्केट रिस्क के अधीन है या मार्केट रिस्क के बस में है या कब्जे में है, यानी मार्केट में जो उतार चढ़ाव होगा उस पर म्यूचुअल फंड पर बड़ा असर होगा, या एरिया भूकंप के अधीन है या भूकंप के कब्जे में है या भूकंप के बस में है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस एरिया इज सब्जेक्ट टू अर्थक्वेक, यानी यह एरिया भूकंप के अधीन है। कई बार लोग इस सेंटेंस के लिए ये भी कहते हैं ये एरिया भूकंप से प्रभावित है, तो चाहे आप कहें प्रभावित है, अधीन है, कब्जे में है, इस तरीके के सभी बातों को कहने के लिए आप सब्जेक्ट टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं लिखा हो दीज कॉन्टेंट्स आर सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि ये कॉन्टेंट्स यानी ये चीजें कॉपीराइट के अधीन है या कॉपीराइट के अंदर है, यानी अगर आप इसे कॉपी करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने शानदार तरीके से सीखा कि सब्जेक्ट टू क्या है और इसे कब बोलना चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए।